हेलो हेलो 1 2 3 4 5 6 हेलो है ना, मिल रहा ना? हाँ, अब ये फाइनल चेक, इसके बाद नहीं हो पाएगा चेक। अब से कुछ ही क्षणों में इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। हम आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान साहब का कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम स्थल पर आगमन होने वाला है। साथ ही आज हमारी अतिथि की श्रृंखला में शामिल हैं श्री प्रेम सिंह पटेल, माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग, श्री कमल पटेल, माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। अतिथि की श्रृंखला में ही शामिल हैं श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, माननीय मंत्री जी ऊर्जा विभाग। इसके साथ ही हमारे अतिथि हैं श्री भारत सिंह जी कुशवाहा, माननीय मंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक फंदा। हमारे सभी अतिथि कुछ ही क्षणों में इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकते हैं। आप सभी से निवेदन गुजारिश, कृपया शांतिपूर्वक कार्यक्रम का अवलोकन करें। हमें उम्मीद है पूरे कार्यक्रम के दौरान आप शांति और संयम बनाए रखेंगे। आपके पास यदि मोबाइल फ़ोन है तो कृपया अपने मोबाइल फ़ोन को या तो आप साइलेंट मोड पर कर लें या कुछ समय के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें, ताकि कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से संचालित कर सकें। एक और निवेदन आप सभी से, हम सभी जानते हैं कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी से निवेदन, आप अपने पड़ोसी मित्र से आवश्यक दूरी जरूर बनाकर रखें, आप अपने चेहरों पर मास्क का प्रयोग जरूर करें, समय अंतराल के बाद आप सैनिटाइजर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है, मध्य प्रदेश सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर मिशन अर्थ के अंतर्गत अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का आज लोकार्पण किया जा रहा है। गौशालाओं और पशु शेड का भी लोकार्पण इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण, स्व सहायता समूहों द्वारा उद्यानिकी रोपणियों में उत्पादित 80 लाख पौधे प्रदेशवासियों को समर्पित किए जा रहे हैं। किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों को भी आज मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आज चेक वितरण किया जा रहा है। इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति को हम नमन करते हैं, आप सभी का अभिवादन स्वागत। और हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य आमंत्रित मंत्रीगण कुछ ही क्षणों पश्चात आने वाले हैं।
कार्यक्रम स्थल में ऊपर की जो बैठक व्यवस्था की गई है उसने जो भी विशेष कृपया सोशल डिस्टेंसिंग को भी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आप सभी से निवेदन है, जो भी ऊपर बैठक व्यवस्था में शामिल है लोग उन सभी से निवेदन है, हमारे सभी अतिथि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन करेंगे ऐसा हमें विश्वास है। आपने अपने चेहरों पर मास्क जरूर लगाया होगा और अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ और जैसा कि अवसर है मध्य प्रदेश सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर मिशन अर्थ के अंतर्गत कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन यहां किया जा रहा है, जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कुछ योजनाएं जिनमें शामिल हैं अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण, गौशालाओं तथा पशु शेड का लोकार्पण, विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण, स्व सहायता समूहों द्वारा उद्यानिकी रोपणियों में उत्पादित 80 लाख पौधे प्रदेशवासियों को समर्पित, किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों का सम्मेलन एवं उन्हें चेक वितरण का कार्यक्रम आज इस हॉल से किया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश शासन, इसके साथ ही श्री प्रेम सिंह पटेल माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी हमारी अतिथि की श्रृंखला में शामिल हैं। हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं श्री कमल पटेल माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, श्री भारत सिंह कुशवाहा माननीय मंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इसके साथ ही श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक फंदा, ये सभी हमारे आज के कार्यक्रम के आमंत्रित अतिथि हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे सभी अतिथि इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। उसके पूर्व आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखें, कोरोना महामारी को जारी सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका भी आप सभी पालन करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है।
ऊपर की बैठक व्यवस्था में जो भी लोग बैठे हैं उनसे हमारा पुनः निवेदन, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आप सभी से हमारा निवेदन है, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही आप बैठें। पड़ोसी मित्र के साथ आवश्यक दूरी आप निर्धारित करें। जहां भी आपको लगता है सैनिटाइजर का प्रयोग भी आप समय समय पर करते रहें। मास्क से अपने चेहरों को अपनी सुरक्षा हेतु कवर करके रखें। साथ ही आप सभी से एक और निवेदन, आप अपने मोबाइल फ़ोन को कुछ समय के लिए या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर साइलेंट मोड पर रखें ताकि कार्यक्रम को विधिवत रूप से हम संचालित कर सकें। हम आपको बता दें कार्यक्रम अर्थ मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा विभिन्न मंत्रीगण के सानिध्य में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ आज होने वाला है। इससे शांति के टापू मध्य प्रदेश में विकास के नए सोपान स्थापित होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में लोगों को रोजगार के नए अवसर तो मिलेंगे ही, आर्थिक बेहतरीकरण भी होगा। और अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री जी के आगमन के पश्चात कन्या पूजन के साथ ही इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। आप सभी से निवेदन, कृपया शांति बनाकर रखें और अपने चेहरों को मास्क से ढक कर रखें। आपस में एक सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन करेंगे ये भी हमें पूरी उम्मीद है। पधारे हुए सभी अतिथियों का, विभिन्न विभागों से आए सभी अधिकारियों का हम स्वागत करते हैं। मीडिया के क्षेत्र से, पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जो भाई बंधु यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसे कि हमें सूचना मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस प्रांगण में आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में, किन्हीं भी पल वे इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकते हैं। आप सभी से निवेदन, कृपया शांति बनाकर रखें। और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा कन्या पूजा के साथ। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है कार्यक्रम स्थल पर। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारी संस्कृति में कन्याओं और नारियों को देवी तुल्य माना गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कन्या पूजन से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज। रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हमारी की आजादी का सम्मान करें। और जैसे कि हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के द्वारा कन्या पूजन के द्वारा, और मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, साथ ही हमारे सभी मंत्रीगणों से, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें, कार्यक्रम को गति प्रदान करें। हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, अब संस्कृति से संस्कृति की ओर बढ़ें, यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब एवं सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित किया गया। आप सभी अतिथियों से हमारा निवेदन है, कृपया मंच आसीन होने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से हम मुख्यमंत्री जी तक अपनी श्रद्धा सुमन उन तक पहुंचाएं, अपना अभिवादन अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से।
हमारी तालियां इस बात का प्रतीक है कि सम्मान में हम स्वयं सम्मिलित हो रहे हैं। और अतिथि की श्रृंखला में मंच पर हैं श्री प्रेम सिंह पटेल, माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग। आप सभी से निवेदन, हमारे सभी अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री कमल पटेल, माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। श्री भारत सिंह कुशवाहा, माननीय मंत्री जी उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक फंदा। और एक बार फिर मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का और तमाम अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। अब मध्य प्रदेश गान प्ले होगा। आप सभी से निवेदन है, मध्य प्रदेश गान बहुत सम्मानपूर्वक अपने स्थान पर बैठकर सुनेंगे। दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश गान। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के मुख्य आतिथ्य में होने वाले कार्यक्रम मिशन अर्थ में सहभागी बने सभी मंचासीन मंत्रीगण, प्रांगण में मौजूद विभिन्न विभागों से पधारे सभी पदाधिकारीगण, स्व सहायता समूह के सभी सदस्य, मीडिया एवं प्रेस से संबंधित तमाम लोगों का एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं अभिवादन। आप सभी की तालियों के साथ अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री प्रेम सिंह पटेल जी से। आपकी तालियों के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगी स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
माननीय हमारे कमल पटेल जी कृषि मंत्री, माननीय हमारे पंचायत मंत्री जी तो आए नहीं, माननीय तोमर साहब भी नहीं आए, माननीय हमें माननीय श्री भारत सिंह जी कुशवाहा जी, माननीय हमारे भोपाल के रामेश्वर शर्मा जी विधायक साहब, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय किसान भाइयों, पशुपालन अधिकारी, पत्रकार साथीगण का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम एक वर्ष के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद से पशुपालन विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा विभाग की ओर से संचालित गौशालाएँ तथा विभिन्न प्रकार के पशु सेट के साथ साथ भोपाल सीमित प्रयोगशाला का आयोजन उद्घाटन किया जा रहा है। इससे पूरे प्रदेश में किसान भाइयों एवं पशुपालनों को कई प्रकार के लाभ होंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री चौहान साहब जी की उपस्थिति, सभी साथी मंत्रीगण, किसान भाई आदि अधिकारीगण, पत्रकार साथियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी विभाग आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश को एक विकास राज्य बनाने में हमारी पूरी ताकत से काम करेंगे। पुनः मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़वानी ज़िले में अब तक 3 ग्रिड बनाए गए हैं। आज बड़वानी सिलावत का ग्रिड का भी उद्घाटन किया जा रहा है, यानी इससे पूरा क्षेत्र में लाभ हुआ है, क्योंकि आपके द्वारा ही ये बड़े बड़े ग्रिड बड़वानी विधानसभा में किए गए हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी कर्मचारियों भाइयों को भी। आज इस अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं, मेरी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और पशुपालन विभाग की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हम लोग काम करते रहेंगे, भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री प्रेम सिंह पटेल जी। कार्यक्रम अर्थ मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा विभिन्न मंत्रीगण के सानिध्य में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ आज किया जा रहा है। इससे शांति के टापू मध्य प्रदेश में विकास के नए सोपान स्थापित होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आगे इसी उपक्रम में कार्यक्रम की रूपरेखा के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करती हूं श्री जे एन कंसौटिया साहब, अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग से, कि कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। बड़े हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में मिशन अर्थ का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 4 प्रमुख विषयों पर परिणाम सूचक एवं आउटपुट संकेतक निर्धारित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर अर्थव्यवस्था एवं रोजगार विषय पर परिणाम प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनका लोकार्पण आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। अर्थ का मतलब है आर्थिक रूप से जनता किस तरह से समृद्ध हो। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से लगातार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास में राज्य अग्रणी रहा है। प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रदेश की GDP विकास दर अच्छी रही है। 2021 में यद्यपि GDP का जो अनुमान है
कम है, लेकिन कृषि विकास में सकारात्मक परिणाम आए हैं। प्रदेश में दुग्ध का उत्पादन 17,109 मीट्रिक टन है, जो देश में तृतीय स्थान पर है। शीघ्र ही हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर प्राप्त करें। पशुपालन के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग हो, इसके लिए आधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसमें 47,50,00,000 रुपए की लागत हुई है। इससे हम लोग 8,00,000 सीमन डोज का निर्माण करेंगे। ये प्रयोगशाला तैयार हो चुकी है और इस प्रयोगशाला से जो भी पशुपालन में क्रांति आएगी, उससे प्रदेश में दुग्ध का उत्पादन बढ़ेगा। और ये बहुत ही अच्छी प्रयोगशाला बनी है और ये देश में दूसरी प्रयोगशाला है जिसका उद्घाटन आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री गौसेवा योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 985 गौशालाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 921 गौशालाओं का संचालन भी प्रारंभ हो चुका है। आज 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास भी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। इसके साथ ही इस साल 2,469 सामुदायिक गौशालाओं का निर्माण हाथ में लिया गया है, जिसमें 913 करोड़ रुपये का व्यय होगा। 13.5 करोड़ की लागत से 1821 हितग्राही मूलक पशु आश्रय स्थलों का निर्माण भी किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम नरेगा के माध्यम से, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित हो रहे हैं और दोनों विभागों के समन्वय से हम गौशालाएँ और गौशालाओं का संचालन होगा। और साथ ही जो पशु शेड बनाए जा रहे हैं, उसमें जो हमारे हितग्राही हैं, पशुपालक हैं, वो लाभान्वित होंगे और जिसने पशुओं का जो उत्पादन होगा और साथ ही दूध का उत्पादन होगा। आज के दिन ही उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने के लिए 33 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। 4 उपकेंद्रों का भूमि पूजन भी आज हो रहा है और इन पर कुछ लागत 1530 करोड़ की आ रही है। उद्यानिकी विभाग ने कार्य हाथ में लिया है कि नरेगा के माध्यम से 3 वर्षों में SAG के माध्यम से उद्यानिकी नर्सरियों में पौधे तैयार किए जाएँ। प्रत्येक नर्सरी में 1,25,000 पौधे तैयार होंगे। इस तरह से 65 करोड़ की लागत से 80,00,000 पौधे तैयार होंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इन पौधों को प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। इसके लिए जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट भी करेंगी और अपनी जो सफलता है उसके बारे में अवगत भी कराएंगी। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसानों को सही उपज का जो मूल्य प्राप्त हों, उन्नत कृषि हों, इसके लिए किसान उत्पादन संगठन तैयार किए गए हैं। अभी तक प्रदेश में 418 कृषक उत्पादन संगठन कार्यरत हैं, जिसमें नाबार्ड के माध्यम से 253, SFSC के माध्यम से 120 और आजीविका फोरम के माध्यम से 45 FPO तैयार हो चुके हैं। आज इन FPO को यहाँ जो उनको अनुदान है उसका यहाँ पर वितरण होगा और साथ ही कृषि अधोसंरचना निधि जो है उसके हितग्राही भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये खुशी की बात है कि जो कृषि अधोसंरचना निधि के अंतर्गत पूरे देश में जो भी प्रकरण तैयार हुए हैं उसमें प्रदेश 1 नंबर पे हैं। अभी तक 3,345 आवेदकों द्वारा अपना पंजीयन किया जा चुका है और 410 आवेदकों को 398 करोड़ की राशि बैंकों द्वारा स्वीकृत भी की जा चुकी है। आज सात लाभान्वित हितग्राहियों को राशि का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में कृषि के विकास के लिए और उसके एलाइड सेक्टर के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम भी संचालित हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि जिस तरीके से आधार कार्ड हमारा है, उसी तरीके से प्रदेश के सभी पशुओं के लिए 12 अंकों का एक आधार कार्ड का नंबर दिया जा रहा है। अभी तक 2 करोड़ 45 लाख से अधिक पशुओं की टैगिंग हो चुकी है और पूरे देश में हमारा प्रदेश 1 नंबर है और हमारे बाद में जो 2nd नंबर है उत्तर प्रदेश है, जिसमें 1,63,00,000 पशुओं की टैगिंग हुई है। तो इस तरीके से प्रदेश उसमें भी आगे हैं। जो NADCP कार्यक्रम है, जिसमें मुंह और खुरपका रोग होता है जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है, उसका कार्यक्रम भी अपने प्रदेश में संचालित हो रहा है और ये मुझे सूचित करते हुए खुशी है कि पूरे देश में इस कार्यक्रम में भी अपना प्रदेश 1 नंबर पर है। सर्वाधिक टीकाकरण 252,00,000 पशुओं का जो 97% होता है अपने प्रदेश ने किया है। तो इस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस सेक्टर के और इस सेक्टर से जो जुड़े हुए जो सेक्टर हैं उसमें आज कार्यक्रम में आयोजित हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का और मेरे सभी साथियों, सभी हितग्राहियों का मैं स्वागत करता हूं। शुभकामनाएं।
आदरणीय जे एन कंसोडिया साहब, अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग। प्रदेश को मिलने वाली नई सौगात से निश्चित ही मध्य प्रदेश पूर्णतः आत्मनिर्भर बनेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। अब आप सभी के सामने अत्याधुनिक सीमन उत्पाद प्रयोगशाला, सीमन उत्पादन प्रयोगशाला पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। अभी आप देख रहे थे अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला पर आधारित ये वीडियो फिल्म। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में एवं मंत्री जी के प्रयासों से, साथ ही इस विभाग के सभी अधिकारियों के प्रयासों से ये बहुत ही खूबसूरत सी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, प्रदेशवासियों के लिए मिलने वाली है, और हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। निश्चित ही अनूठा प्रयास है ये, बहुत अच्छी तकनीक का उपयोग करके ये जो टेक्निक डेवलप की गई है निश्चित ही बहुत उपयोगी हम सभी के लिए। और अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान साहब से अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण डिजिटल मीडियम के माध्यम से करें। सभी अतिथियों से भी हमारा निवेदन, मंचासीन प्रयोगशाला का लोकार्पण करने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मंत्री महोदय एवं सभी मंचासीन अतिथि। अब मैं आग्रह करती हूँ पुनः मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब से, साथ ही मंचासीन अतिथियों से डिजिटल मीडियम के माध्यम से गौशालाओं तथा पशु शेड का लोकार्पण करें।
एवं गौशालाओं तथा पशु शेड व चारागाह का शिलान्यास भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आप सभी से निवेदन है, एक बार तालियां जरूर बजाएं जोरदार। निश्चित ही कोई भी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में बहुत श्रम लगता है, तो आप सभी इतनी मेहनत के बाद इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत। निश्चित ही गौवंश की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल एवं स्थायी व्यवस्था की शुरुआत है गौशालाओं के माध्यम से। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और इस तरह से एक और नई सौगात ऊर्जा मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से प्रदेशवासियों के लिए। ऊर्जा मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर और विभाग के सभी अधिकारियों के लिए भी बधाई। और अब हम निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी से, विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण का कार्य संपादित करें डिजिटल मीडियम के माध्यम से। विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण। वाकई एक और नई सौगात है इस विभाग के लिए, ऊर्जा विभाग के लिए। और आप सब एक बार पुनः बधाई के पात्र हैं, एक आप सभी की मेहनत का ही प्रतिफल है माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में। इतना खूबसूरत सा अनूठा ये प्रयास जो किया गया है, उसके लिए एक बार पुनः आप सभी को बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उद्यानिकी विभाग द्वारा SHG के माध्यम से मनरेगा अंतर्गत 37 जिलों की 116 नर्सरियों के माध्यम से तकरीबन 80 लाख उच्च कोटि उद्यानिकी के पौधों का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे लगभग 2000 परिवारों को सतत रोजगार तो प्राप्त होगा ही, एवं 3 वर्षों में ये सभी नर्सरियां स्वपोषित भी हो जाएंगी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सर्वप्रथम रायसेन जिले के खुशबू स्व सहायता समुदाय की महिला कार्यकर्ता श्रीमती ममता बाई एवं भागबाई को, वे मंच पर पधारें। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन्हें, इन महिलाओं से हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करें। खुशबू स्व सहायता समूह की महिला कार्यकर्ता श्रीमती ममता बाई एवं भागबाई, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करती हूँ भोपाल जिले के नेहा स्व सहायता समूह की ही श्रीमती रीना कबीरपंथी एवं श्रीमती उर्मिला जाटव को कि वे प्रेम सिंह पटेल माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग को पौधा भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही हमारी तालियां इस बात की सूचक होती हैं कि सम्मान की इस प्रक्रिया में हम सभी अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं, तो समय समय पर अपनी तालियों की सौगात हमें जरूर देते रहें, क्योंकि आपने ही बहुत मेहनत और परिश्रम किया है जिसके फलस्वरूप ये शानदार आयोजन यहाँ हो रहा है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ इसी समूह की श्रीमती दीपा भारद्वाज एवं श्रीमती श्याम जाटव जी को कि वे कमल पटेल जी माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विभाग विकास विभाग को पौधा भेंट करें। डॉक्टर अंबेडकर स्व सहायता समूह होशंगाबाद से श्रीमती सपना एवं श्रीमती रजनी को अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं और निवेदन करती हूं माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग को पौधा भेंट करें। संस्कार आजीविका स्व सहायता समूह सीहोर से श्यामाबाई एवं अकीला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि वे श्री भारत सिंह कुशवाहा माननीय मंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को पौधा भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः स्वागत। पौधा भेंट कर स्व सहायता समूह की ये महिलाएं हैं जो पौधा भेंट कर रही हैं।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्व सहायता समूह की श्रीमती किरण एवं श्रीमती सेवती को वे मंच पर आए एवं श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक को पौधा भेंट करें। स्व सहायता समूह की सभी बहनों का बहुत अभिनंदन धन्यवाद। सभी मंचासीन अतिथियों का भी एक बार धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ किसान उत्पादक संगठन को जो कि पिपरिया एवं सुहागपुर से आए हैं। ये दोनों संगठन मंच पर सादर आमंत्रित हैं। निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से किसान उत्पादक संगठन को चेक वितरण करें। मंचासीन सभी अतिथियों से हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी के साथ ही इस पुनीत कार्य में सहयोग करेंगे। सुहागपुर एवं पिपरिया से आए किसान उत्पादक संगठन, हार्दिक धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत कृषि अधोसंरचना कोष AIF जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि अधोसंरचना को बढ़ावा देना है, ये बहुत हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। उन्हीं के कुछ हितग्राहियों को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे मंच पर आएं। एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है हितग्राहियों को उनका चेक प्रदान करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले आर्या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन भोपाल से आर्या वेयर हाउस कॉरपोरेशन को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। एक बार पुनः आप सभी को बताना चाहूंगी आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत कृषि अधोसंरचना कोष AIF जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि अधोसंरचना को बढ़ावा देना है, ये बड़े हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां, हम मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और उन्हीं हितग्राहियों को अगली आवाज सिद्धार्थ फूड प्रोडक्ट्स, खलील अली रायसेन से, खलील अली मुख्यमंत्री जी द्वारा एवं तमाम अतिथियों द्वारा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है चेक प्रदान करके। सतेश्वर वेयर हाउस साजापुर, सतेश्वर वेयर हाउस माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन्हें भी, इन हितग्राही को भी सम्मानित किया जा रहा है, चेक प्रदान किया जा रहा है। और इसी क्रम में तुलना माहेश्वरी रायसेन जिले से जो आई हैं, तुलना माहेश्वरी वे भी मंच पर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब से अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें और जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी को हम मंच पर आग्रह करेंगे अपने उद्बोधन के लिए। हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे बिजली मंत्री भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी,
हमारे उद्यान की मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, यहाँ बैठे हुए और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटा और बेटियों, कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया हमें। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाएंगे। हालांकि कोरोना से लड़ाई अभी चल रही है और ये लड़ाई लंबी है, जारी रहेगी, और ये लड़ाई भी कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता, अकेली सरकार भी नहीं लड़ सकती। ये लड़ाई सरकार, समाज, प्रशासन, हम सबको मिलकर लड़नी है। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, वायरस मरा नहीं है, वायरस तो हवा में है। हमारी कोशिश ये हो कि वायरस हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। और ये कोरोना का वायरस प्रवेश करता है तो हमारी नाक से करता है या हमारे मुंह से करता है, लेकिन मास्क से अगर हमने फेस कवर कर लिया, हमारे नाक और हमारे मुंह को ढंग से ढक लिया, तो फिर हम कोरोना से संक्रमित नहीं हो पाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं अपील करता हूं, आप सब मास्क लगाएं, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए। इसको हल्के में ना लें, इसको मजाक में ना लें। भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं करने, अरे जिंदगी है तो फिर करेंगे, काय की चिंता। हम भी वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे हैं, कल हमने पोहरी परसों और अशोकनगर के कार्यक्रम हमने रद्द किए, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर हम गए और एक को कोरोना तो दूसरे के हाथ में चिपक जाएगा। और हमने मास्क भी लगाया है तो भले हमें प्रभावित ना करें, लेकिन हम कोरोना के कैरियर बन जाएंगे और कहीं और चिपका देंगे दूसरे पे, अनजाने में ही पहुंचा देंगे दूसरी जगह। और तीसरी अपील मैं करना चाहता हूं, अस्पताल बढ़ें, बिस्तर बढ़ें, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, यहां से जाके फिर मैं कोरोना की समीक्षा करूंगा। अभी छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, रतलाम लॉकडाउन लगाया उन्होंने, दो दो दिन का, एक एक छिंदवाड़ा में 3 दिन का। मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, गरीब बेरोजगार हो जाता है, काम धंधे ठप हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे अपील है कि सहयोग करें, टीका जरूर लगवाएं। 45 साल से ज्यादा उम्र के जितने भाई बहन हैं, टीका भाई जरूरी है, मैंने भी लगवा लिया, पहला डोज लग गया, दूसरा लगने वाला है। और टीका लग के भी अपन पहलवान हो गए ये मत मानना, नहीं लगाओ और फिर फौरन पहुंच गए कि अब काय का करो ना, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनते बनते समय लगता है और कोरोना तो जाता है। ये टीका शरीर में ताकत पैदा करता है कोरोना से लड़ने की, तब भी मास्क लगाए रहना। आखिर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश हमें बनाना है, अब बीमार प्रदेश आत्मनिर्भर थोड़ी बन सकता है।
इसलिए बीमारी से बचना है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हमने एक रोड मैप बनाया, बहुत विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा। आज जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये उसी रोड मैप में तय किए गए हैं, बनाए गए हैं। आत्मनिर्भर का मतलब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार का इंतजाम हर एक के लिए हो, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। और इसलिए ये मिशन अर्थ है हमारा, और इस मिशन के अंतर्गत परिवारों को व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने कई चीजें तय की है। हमारे कृषि मंत्री आए, हमने पहला चेष्टी तय की कृषि, खेती खेती के साथ पशुपालन, क्योंकि खेती में भी इनकम के अलग अलग साधन होने चाहिए। मछली पालन, उसे सहकारिता को जोड़ा है, सहकारिता उद्यान की। अब देखो अकेले गेहूं चना से काम नहीं चलेगा, अभी वेयर हाउस और बनाने के लिए जो कृषि इंफ्रा की हमारी योजना है उसके अंतर्गत वेयर हाउस बनाने की चेक दी। हम लोग बात कर रहे थे क्या बनाओगे वेयर हाउस, इतने वेयर हाउस क्यों बन रहे हैं? ये इसलिए बन रहा है कि अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, भरपूर है, रखने की जगह नहीं बची, खुले में रख रहे हैं हम गेहूं चना मसूर धान, भंडार भरपूर है, कोई कमी नहीं है। लेकिन केवल गेहूं चना सरसों से काम नहीं चलेगा, मसूर से काम नहीं चलेगा, सोयाबीन और धान से काम नहीं चलेगा, फसलों का विविधीकरण हमको करना पड़ेगा। गेहूं के अलावा धान के अलावा बाकी क्या चीजें लगा सकते हैं? उद्यान की फसलें कैसे उगा सकते हैं? और उगा ली बिजली तो फिर उनका करेंगे क्या, तो फूड प्रोसेसिंग पे कैसे जा सकते हैं? छोटे छोटे उद्योग कैसे लग सकते हैं? इसलिए मिशन अर्थ का एक और आयाम है छोटे छोटे उद्योगों का जाल बिछाना। 8 तारीख को मैं लगभग 2000 उद्योगों का प्रारंभ एक साथ करूंगा पूरे मध्य प्रदेश में, 2000 जो हमारे प्रदेश के भाई बहन लगाएंगे। व्यापार बढ़े, व्यवसाय बढ़े, बच्चों के हाथों में कुशलता आए, इसलिए स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास से रोजगार। इसलिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क, मॉडल आईटीआई, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, वन और पर्यावरण का संवर्धन। अभी अभी हमारी बहनें स्वसहायता समूह की बहनों ने उद्यान की नर्सरी में पौधारोपण किया, मैं बधाई देता हूं, 80 लाख पौधे तैयार किए उन्होंने, 80 लाख। अब पौधे बाहर से नहीं खरीदने पड़ेंगे, यही पौधे पेड़ बनेंगे और फल देंगे, और नर्सरी की आमदनी मेरी बहनों के खाते में जाएगी। किसान उत्पादक संगठन, अकेला किसान, देखिए संगठन भी शक्ति होती है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे, मध्य प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दिया है, हम पहले से ही काम कर रहे हैं।
अब मान लीजिए मालवा में संतरा पैदा होता है, एक किसान अपना संतरा अलग अलग ले जाए, खर्चा ज्यादा आएगा, सॉर्टिंग पैकेजिंग, बड़ी मंडी में ले जाना तो इतने से संतरे कैसे ले जाएगा। लेकिन किसान उत्पादक संगठन अगर बन गए, मालवा में उन्होंने बनाया था मालवा फ्रेश ब्रांड, किसानों के समूह जो संतरे पैदा करते हैं वो इकट्ठे होंगे, अच्छी क्वालिटी का संतरा उगाएंगे, सॉर्टिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, किसी बड़े व्यापारी से बात करेंगे और मिलकर अच्छे दाम पे अपना संतरा बेचेंगे और एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी उगाया तो देश में नहीं दुनिया में भी ले जाएंगे। ऐसे एक नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूं स्व सहायता समूहों का, 400 से ज्यादा स्व सहायता समूह अभी किसान उत्पादक संगठन हमारे पास है। स्व सहायता समूह की सफलता की कहानी अलग है, लेकिन हमारे किसान उत्पादक संगठन, मैं गुना के नेस्कला कंपनी, 2000 से ज्यादा किसान भाई जुड़े हैं इससे। यह कंपनी सोयाबीन, धनिया और गेहूं के बीजों का उत्पादन करती है। विपणन में काम करते हुए एक साल में 2,70,00,000 रुपए का टर्नओवर अर्जित कर रही है। आगर की समर्थ किसान प्रोड्यूसर कंपनी, 5,50,00,000 से अधिक का टर्नओवर है। नरसिंहपुर के हमारे किसानों की कंपनी 5,25,00,000 से अधिक का टर्नओवर। बैतूल की सतपुड़ा महिला सिल्क उत्पादन कंपनी 3,00,00,000 रुपए का टर्नओवर। सागर में देवर्षि किसान दूध उत्पादन कंपनी 2,700 से अधिक किसानों को सशक्त बना रही है, 8,00,00,000 से ज्यादा का टर्नओवर है। राजगढ़ की मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने एक साल में 26,00,00,000 रुपया का टर्नओवर उनका है, 26,00,00,000 रुपया का। यह सफलता की कुछ कहानियां हैं, अलग अलग नहीं, हम समूह में इकट्ठे हो जाएं तो हम चमत्कार कर सकते हैं और ये चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती पर हम करेंगे। महिला स्व सहायता समूह, महीने में एक बार उनके खाते में पैसे जाते हैं अलग अलग समूहों के, इस साल लगभग 1,400,00,000 रुपया उनके खाते में डाले। कोरोना काल में मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए, पीपी किट बनाए, साबुन बनाई, कृषि उत्पाद तैयार कर रही है, कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग से लगा के जरूरत की हर चीजें बना रहे हैं और वो लाभ कमा रहे हैं। मिशन अर्थ का मतलब क्या है? रोजगार मिले, कमाई बढ़े, और एक नहीं अनेकों प्रयास। आज हमारा संकल्प है कि हमारे किसान उत्पादन संगठन और हम बढ़ाते चले जाएंगे, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इनको सहायता देगी और इनके कृषि उत्पाद केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरी दुनिया में धूम मचाए, इसका हम प्रयास करेंगे। हम में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लगन है, बस थोड़ा संगठन हो जाए। और इसलिए लगातार ये कोशिश है कि संगठित किसान आगे बढ़े। अब कोरोना काल अभी चल ही रहा है, लेकिन हमारे किसानों की क्षमता थी, बाकी चीजों का उत्पादन प्रभावित हो गया, लेकिन धन्यो किसान, तुमने खेती का उत्पादन प्रभावित नहीं होने दिया। अर्थव्यवस्था अगर थोड़ी बची तो केवल किसानों के कारण बची। पिछले साल 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा हमने, चना खरीदा,
सरसों खरीदी, बाजरा खरीदा। आज मैं फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, पानी के कारण खरीदी में व्यवधान आया है, थोड़ा लेट हम शुरू हुए, लेकिन फिर हमारी सरकार का संकल्प है किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, समर्थन मूल्य से कम में किसान का उत्पाद नहीं बिकने दिया जाएगा। और इस बार जो हमने व्यवस्था की, पहले से ही तय कर दिया, चना खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे। पता चला मसूर क्या भाव बिक रही है आजकल, समर्थन मूल्य के ऊपर चली गई, चना भी ऊपर पहुंच रहा है, सरसों तो 1000 रुपया ज्यादा समर्थन मूल्य से। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला होता है, किसान का उत्पाद कई बार औने पौने दाम पर खरीद लिया जाता है। सरकार अगर खरीद की गारंटी दे दे तो उस खरीद मूल्य के ऊपर भी फिर किसान का उत्पाद खरीदा जाता है। और इसलिए पहले से ही समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, खरीद की व्यवस्था बना दी। मैं किसानों से आह्वान करता हूं कि कोई औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को ना बेचे, सरकार एक एक दाना खरीदेगी, समर्थन मूल्य से ऊपर बाजार में बिके तो बेचो, समय पे पैसा खाते में आ जाए इसका इंतजाम किया जाएगा। हम लोग अभी बात कर रहे थे, 8,900 करोड़ रुपया तो फसल बीमा योजना का दे दिया किसानों के खाते में, नुकसान का पैसा अलग दिया, 2019 का रह गया, लेकिन 2020 में हम आ गए, 3100 करोड़ रुपया खाते में डल चुका है। सोयाबीन जो खराब हुआ फसल बीमा का पैसा अलग आएगा। बिजली मंत्री बैठे हैं, 14,000 करोड़ रुपए इनका बजट कितना है महाराज, इनको दिए चले जा रहे हैं। तो ये 14,800 करोड़ रुपया तो ये सस्ती बिजली देने में लेते हैं, गरीबों को सस्ती बिजली और किसान को खेती के लिए बिजली, लगभग 18,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के सरकार के खजाने से चुकाते हैं, तब सस्ती बिजली आपके घरों में और आपके खेतों में पहुंच पाती है। 0% ब्याज पर कर्जा। अब मैं 18,000 कह रहा हूं, ये प्रद्युम्न ने कहा कि मौका अच्छा मिल गया तो कहने लगे इस बार 21,000 करोड़ लेना है, दिए जाओ बिजली और लिए जाओ, गड़बड़ कहीं मिले तो रोकते जाओ, ठोकते जाओ। महंगी बिजली में सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन इतनी अपील जरूर है कि जितना तय है उतना दे दो भैया। आज 1500 करोड़ रुपए के नए काम स्वीकृत हुए हैं, अलग अलग ग्रिड बन रहे हैं, बिजली की लाइनें बदली गई है, नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, अधोसंरचना के काम हो रहे हैं। और आज एक और अभिनव प्रयोग हुआ है, और इस प्रयोग के कारण पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला जो हमारे भोपाल में ही बनी है, देश में केवल दो है, एक उत्तराखंड में दूसरी भोपाल में, अब एक जमाना था जब बैलों से खेती करते थे, तब बछड़ा जाए चाहे बछड़िया जाए कोई अंतर नहीं पड़ता था, अब ट्रैक्टर बाबा ने बैलों को बेरोजगार कर दिया है। अब बैल आए तो उनका क्या करें, और इसलिए विज्ञान और का प्रयोग करके कोशिश ये है कि बैल बछड़ा कम आए, बछिया आए। और दुग्ध उत्पादक किसानों को उसका लाभ हो,
इस दिशा में यह प्रयोगशाला अद्भुत काम करेगी। गाय हमारी माता है, हम तो सब देवताओं का वास गौ माता के अंदर ही मानते हैं, लेकिन गांव गांव में जहां हमने देखा खुले में पशुधन घूम रहा है, हम भी थोड़े ज्यादा स्वार्थी हो गए। जब तक बैल जोतते थे तो अच्छा खिलाते थे, घास के लिए भी बीड़ रखते थे, अब बीड़ें ही खत्म हो गई, घास के मैदान बखर के खेत बना दिए, अब बैल कहां जाए, और गाय भी दूध नहीं तो दिया लठ और भगा दिए जा मैया। और फिर जहां जाओ लोग कहते हैं ये गाय घूम रही गौशाला बनाओ। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी लेकिन समाज की भी ड्यूटी है भाई। गौशालाओं का निर्माण जारी है, आज गौशालाओं का लोकार्पण भी हुआ है, पंचायत ग्रामीण विकास ने उसमें अद्भुत काम किया है, मनरेगा की राशि का बेहतर उपयोग करके गौशालाओं के निर्माण का काम, उसके साथ साथ चारे के लिए चारागाह। मुझे प्रसन्नता है, हमने आगर में पहला गो अभयारण्य बनाया था, इसके बाद रीवा जिले में एक बना, उसके अतिरिक्त 921 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है, 600 से अधिक गौशालाएं स्वयंसेवी संस्थाएं चला रही है, 1,66,000 से अधिक गायों का संरक्षण किया जा रहा है। और मुझे और खुशी की बात है कि 450 गौशालाएं हमारी महिला स्व सहायता समूह चला रही है, आजकल खरीदी का काम भी कर रही है महिला स्व सहायता समूह, उपार्जन के काम में भी लगी है। गौशालाओं में केवल दूध का सवाल नहीं है, दूध तो कोई देता है, कोई कोई गाय नहीं देती, लेकिन गोबर से मूर्तियां, दिए, कंडे, जैविक खाद, गोकास्ट। इस बार होली पे लकड़ी नहीं जली, गोकास्ट जला, जैविक खाद, गमले, औषधियां, दंत मंजन, तेल, शैंपू, साबुन, कीटनाशक, बर्मी कंपोस्ट, हवन सामग्री, अलग अलग चीजें बना रही हैं, इससे रोजगार भी मिल रहा है और गौशालाएं अपने पैरों पर खड़ी भी हो रही है। आज 260 करोड़ की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ से की लागत से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास हुआ है। 13 करोड़ 50 लाख की लागत से 1881 हितग्राही मूलक पशु आश्रय भी बने, उनका लोकार्पण भी आज हुआ है। और 22 करोड़ की लागत से बनने जा रहे थे 2632 पशु आश्रयों का शिलान्यास भी किया गया है। सचमुच में गाय कामधेनु है, इसलिए गौशालाओं के निर्माण का काम जारी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ खेती को लाभ का धंधा बनाने के प्रयास, अब हमने एग्रो इंफ्रा फंड का बेहतर उपयोग करने की कोशिश की, उससे कई तरह की अधोसंरचना तैयार कर रहे हैं, केवल वेयर हाउस नहीं बना रहे, जितनी आवश्यक चीजें हैं वो सब खड़ी की जा रही है। मुझे बता दियो, खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने
भारत सरकार ने हमारा टारगेट तय किया था, हमारे हिस्से में आया था लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका सबसे अच्छा उपयोग किसी राज्य ने किया है तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। हम देश में नंबर एक है इस मामले में, तेजी से हम काम कर रहे हैं। 3% ब्याज पे, 3% ब्याज पे कर्जा दिया जा रहा है ताकि किसान का उत्पाद खराब ना हो, फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, उनको हम टिका कर रख सकें और समय आने पर बेच सकें। इस साल अर्थव्यवस्था और रोजगार हमारे फोकस में है, रोजगार रोजगार और रोजगार। और हर महीने हमने तय किया कम से कम 1,00,000 रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, 1,00,000 एक साल में, 12,00,000 रोजगार। हमारे नौजवान हो, किसान हो, महिला स्व सहायता समूह हो, किसान उत्पादक संगठन हो, लघु और कुटीर उद्योग लगाने वाले नौजवान हो, भूखे भजन ना होए गोपाला धर लो अपनी कंठी माला, रोटी चाहिए रोज, उसके लिए रोजगार चाहिए। रोजगार का ये अभियान लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के साथ साथ हमारी लगातार कोशिश है, सरकारी क्षेत्रों में जितना संभव है वहां भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। कोरोना के कारण कुछ परीक्षाएं टल गई है, जल्दी शुरू होंगी फिर, सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं, तभी तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। मेरा एक सपना है मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बेरोजगार ना रहे, हर गरीब के पास अपना पक्का मकान हो, हर बेटा बेटी चाहे वो गरीब हो किसी जाति समाज का, उसके पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था हो, महिला सशक्तिकरण हो, बेटी बोझ ना मानी जाए। अब कोरोना में आके स्वास्थ्य की इलाज की सुविधा सबको मिले, हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, अच्छे स्कूल, अस्पताल, डॉक्टर, एक स्वस्थ मध्य प्रदेश, स्वच्छ मध्य प्रदेश, रोजगार युक्त मध्य प्रदेश। इस साल का एक और मिशन है, 3 साल में पूरा होगा, हर गांव के हर घर में पाइपलाइन बिछा के नल जल का पानी, टैप वाटर, टोंटी खोलें तो सीधे घर में पानी आ जाए, उसका अभियान भी चल रहा है। और एक और खुशखबरी, इस साल हमारी अर्थव्यवस्था 10,00,000 करोड़ को पार कर जाएगी, हमारी जीडीपी 10,00,000 करोड़, मध्य प्रदेश 10,00,000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगा। परिस्थितियां कठिन है, जटिल है, लेकिन इसी में से रास्ते निकालने हैं। मैं आज जो भाई और बहन हमसे जुड़े, अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला, उनको बधाई देता हूं और एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन सुविधायुक्त बने, सरल बने, उसके लिए मध्य प्रदेश की टीम संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार और समाज साथ मिल जाए तो सचमुच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन जाए, और वो बना के मानेंगे, अपनी जिद और जुनून है ये, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। फिर एक अपील कर रहा हूं, मास्क जरूर लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, छोटे कार्यक्रम करें, घर में भीड़ से बचें। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, पौधा लगाता हूं, आप साल में एक जरूर लगाना,
बेटा बेटी को बराबर मानना, बेटी से बेईमानी मत करना, उसको भी बराबर का सम्मान देना और कोशिश करना कि अपना गांव नशा मुक्त बन जाए। सब मिलकर साथ चलेंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। मिशन अर्थ का सचमुच वही अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अभी आप सुन रहे थे प्रदेश के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को। सबको खुशी का पैगाम देने वाले स्वप्न दृष्टा, प्रदेश के बेटा बेटी जिन्हें मामा कह के संबोधित करते हैं, लगातार सक्रिय हैं अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में। एक बार पुनः प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। विकास का हर सपना हकीकत में बदल देने की आकांक्षी है प्रदेश की जनता। अब मैं माननीय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल जी से निवेदन करती हूँ। गौशाला में गाय के गोबर से निर्मित मूर्ति एवं पुस्तिका को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। गाय की गौशाला में निर्मित ये मूर्ति एवं पुस्तिका कंसोर्टिया साहब के द्वारा भेंट किए जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अब ये गोबर क्या क्या बना सकता है? पहले कहते थे सब गुड़ गोबर हो गया, लेकिन गोबर गुड़ से ज्यादा उपयोगी हो गया है। ये गोबर की मूर्ति देखी आपने अभी? कहाँ गई जरा गोबर की मूर्ति, जरा पूरे प्रदेश को दिखाते हैं। ले आ भैया, ये राम दरबार गोबर का बना हुआ है। ये गोबर से मूर्ति बन रही है, मीडिया वालों को भी दिखा देता हूं। अच्छा, मूर्ति तो ठीक है, ये तो लोग मानते थे कि बन जाती है। अब मुझे कहा कि गोबर से बनी किताब, तो मैं थोड़े हैरत में पड़ गया। ये जो किताब बनी है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके पन्ने देखो आप, ये गोबर से बनी है। गोबर में कुछ चीजें मिला के किताब बनाई गई है और आज मुझे भेंट की गई। गौशाला वाले भी ऊपर बैठे हैं। अब ये गोबर की किताब बन जाएगी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। क्या बात की है प्रेम सिंह जी, धन्य हो। अब आप गोबर का उपयोग देखिए क्या क्या हो सकता है। और इसलिए पूरे विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है गोबर गोमूत्र का उपयोग करके। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री कमल पटेल जी माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से। कृपया आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। मेरे साथ भारत माता का एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, जोर से लगाओ जरा। धरती पुत्र किसान की, गौ माता की, और आज के आनंद की। आज मिशन अर्थ के तहत मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने एक वर्ष में विपरीत परिस्थिति में कोरोना के महासंकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करके
उसको नियंत्रित करके, उस पर विजय प्राप्त करके मध्य प्रदेश के विकास में चार चांद लगाए हैं। कृषि और किसान इस देश की रीढ़ है और मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है, और इसलिए कृषि के विकास से और किसान के कल्याण के लिए एक साल के अंदर 1,00,000 करोड़ के आसपास राशि खर्च की गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से और कृषि पर आधारित जीवन उपार्जन करने वाले मजदूरों की ओर से मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर हमारे लाडले मुख्यमंत्री, जो गांव गरीब और किसानों के मसीहा हैं, बहनों के भैया हैं, बच्चों के मामा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और गरीब माता पिता के श्रवण बेटा हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है जो 8 करोड़ जनता का परिवार की सबकी चिंता करता है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर जिन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद इस एक वर्ष में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, ऐतिहासिक काम किया है, असंभव को संभव का नाम है शिवराज सिंह चौहान। और इसलिए मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री प्रेम सिंह पटेल जी, पशुपालन मंत्री, उनका भी मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, संपूर्ण प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश को ऊर्जा देने वाले और किसानों को ऊर्जा देने वाले, जैसे कहते हैं कि बिन पानी सब सून, लेकिन अगर बिजली नहीं हो तो पानी भी धरती से नहीं निकल सकता, और इसलिए बिन बिजली सब सून, और 8 करोड़ जनता को 2400 घंटे बिजली देने वाले, सस्ती बिजली देने वाले, और किसानों को तो अनुदान पर, कितना अनुदान है, 10 में किसान हूं, मेरी 10 हॉर्स पावर की मोटर है, उसमें 1,75,000 का बिल आता, उसमें से मात्र किसान से 7,500 लेते हैं और बिजली कृषि विभाग 1,00,000 रुपये उसकी तरफ से बिजली विभाग को सब्सिडी देता है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में। और इस प्रकार 14,500 करोड़ किसानों की ओर से बिल भरते हैं मध्य प्रदेश के कृषि विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, और इसलिए किसानों को सस्ती बिजली मिलती है और वो अनाज उत्पादन करता है, और इसलिए मध्य प्रदेश लगातार 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा जाता है, देश में नंबर 1 स्थान पर है। और इसलिए मैं ऊर्जा मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, हमारे छोटे भाई और मेरे साथी मंत्री कृषि और उद्यानिकी एक ही परिवार, भाई भरत सिंह जी कुशवाहा जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे भोपाल के युवा विधायक मेरे साथी भाई रामेश्वर शर्मा जी सहित हमारे सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति बहनें, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। युवा साथियों, बुजुर्गों, आप सबका और विशेष करके पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश और देश तक, जनता तक मध्य प्रदेश की विकास की गाथा एक वर्ष पूर्ण होने पर जो 1,000,000,000 रुपए की सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन करके, लोकार्पण करके प्रदेश को दी गई है, उसको आपने दिखाया। आप सबके प्रति मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की ओर से और सभी विभागों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि हम सब मिलकर इस मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हम सब मंत्रीगण और पूरी टीम विश्वास दिलाते हैं कि जितनी मेहनत आप करते हैं, इतनी मेहनत तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन हम खंधे से खंधा मिलाकर आपके साथ रात दिन ईमानदारी से मेहनत करके इस मध्य प्रदेश को आपके सपनों के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुसार
गढ़ने में अपना पूरा योगदान देकर और पूरे हमारे विभागों की टीम भी लगी है और काम कर रही है, और उसी का परिणाम है कि कोरोना संकट के समय भी मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला और मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर एक स्थान पर आने में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में सफल हो सका है। आप जैसा कि आपने कहा कि किसानों की फसल इस बार चना सरसों मसूर समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है, उसका भी कारण है कि आपने जो हमें अनुमति दी। अभी तक चना सरसों मसूर गेहूं के बाद खरीदा जाता था जबकि फसल पहले आती है, और इसलिए 86% किसान जो छोटा है वो इनका इंतजार नहीं कर सकता था 2 महीने, और इसलिए मंडी में माल ले जाता था, और मंडी में माल ज़्यादा होने से पूर्ति ज़्यादा होती थी, मांग कम होने से भाव घटते थे, आधी कीमत में किसानों को गरीबों को बेचना पड़ता था। लेकिन आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इस बार 15 मार्च से खरीद शुरू की, और पहले से हमने पंजीयन किया, इसलिए मंडियों में माल नहीं गया तो व्यापारियों को माल नहीं मिला, उद्योगों को सप्लाई नहीं तो उद्योग बंद हुए, तो उनको मजबूरी में समर्थन मूल्य से ऊपर खरीदना पड़ा, और उसके कारण मध्य प्रदेश के किसानों को 16,000 करोड़ रुपये इस बार आपके मार्गदर्शन में ज़्यादा मिलेंगे, और छोटे किसान जो आधी कीमत में बेचते थे उनको इस बार न्याय मिला है। उसका भी कारण आप ही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपका उन 86% किसान जो छोटे हैं जो अभी तक लूटते पिटते थे उनकी ओर से आपका धन्यवाद अदा करता हूं, और सब किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि और खरीदी में भी हमने पहले 1 हेक्टर के किसान को बुलाया, फिर 2 हेक्टर, फिर 3, जो आज तक छोटे किसानों को समर्थन मूल्य का भाव नहीं मिलता था वो भी मिल रहा है, वो भी आपके नेतृत्व में मिल रहा है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से हृदय से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय भारत। श्री कमल पटेल जी, माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, निश्चित ही आपके शब्दों ने इस सभा में नवीन ऊर्जा का संचार किया। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद। मुख्य अतिथि जी के मैं कार्यक्रम के समापन की उद्घोषणा करती हूँ। सम्माननीय मंच के संकेत पर मैं कार्यक्रम के समापन की उद्घोषणा करती हूँ। आप सभी का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।